हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केल्विन पांडे शो 2.0। फ्रेंड्स, आज अभिषेक बच्चन का एक न्यू मूवी का ट्रेलर आया है एंड मूवी का नाम है बॉब बिस्वास। अगर आपको याद होगा, कहानी में एक कैरेक्टर था बॉब बिस्वास का। कहानी मूवी तो बहुत अच्छा था अगर आपको याद है तो, एंड बहुत अच्छा चला भी था वो मूवी तो। एंड उसमें ये बॉब बिस्वास का कैरेक्टर बहुत ही इंट्रीगिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसमें उस मूवी का इस कैरेक्टर के बारे में कुछ नया स्टोरी है। अब क्या है मुझे भी अभी पता नहीं है, नो आइडिया अबाउट इट, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था ये। एंड इस बार बॉब बिस्वास का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, तो देखते हैं अब कैसा रहता है। फ्रेंड्स, इसमें अभिषेक बच्चन के अलावा चित्रांगना है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कैसा है ये ट्रेलर। आइए। तुम्हें याद है तुम्हारी बीवी है, बेटा है, बेटी भी है। बेटी याद है कुछ? कैसे दिख रहा है? सो इट्स अ बिग डे टुडे। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, इसीलिए तो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं अपनी खोई हुई याददाश्त को ढूंढने के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में जाना। क्या लगता है, याद है? नाटक कर रहा है? 200% नाटक। चट्टी में अगर थोड़ी सी हलचल बाकी हो ना, ऐसी बीवी को कोई नहीं भूल सकता। हमारा काम है अच्छाई और बुराई के बैलेंस में नजर। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? आपको कुछ याद ही नहीं है ना? नहीं। सब में एक बात कॉमन है, इन सबको आपने मारा है। आपको फिर से काम पे लगना है, लेकिन इस बार आप सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे। मैंने ये काम पहले भी आप लोग के लिए किया है। क्या बता, आपको याद आ जाए तो बता देना। कब तैयार है? तैयार सर, तो फौरन शुरू करो। आपने मुझे एक फोटो भेजा है, आपका पहला काम। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सब मुझे करना चाहिए या फिर मैं इसी काम के लिए बना। यही तो जीवन बबू, हम सब वही काम कर रहे हैं जिसलिए हमें बनाया गया। काम खत्म होने के बाद वो क्या करेंगे सर? पहले काम शुरू करो, खत्म कर, फिर वो आपका सोचो। शिफ्ट कर जाए, वो भी कैलिंगपोंग अच्छी जगह है, बहुत पैसे लग जाएंगे जो हमारे पास नहीं। हमारे पास पैसे नहीं? मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन याद नहीं है। याद नहीं है बॉब बिस्वास अच्छा आदमी लगता है, पर न जाने क्यों आई फील किसी तरह सबसे जुड़ा हुआ। हमारे लाइन में एक जोक है, क्लाइंट और मौत कभी भी बुला सकते। नमस्कार, बॉब बिस्वास। एक मिनट, 3rd December। क्या ट्रेलर था फ्रेंड्स। लास्ट में वो जो स्टेयर से चढ़ के जाते हैं एंड थक के मुंह करके शूट कर देते हैं, भगवान, मतलब बहुत ही अजीब सा सीन था। मतलब हंसी भी आ रहा, मतलब सीरियस भी था पर हंसी भी आ गया कि ऐसे थका हुआ आदमी गया एंड शूट कर दिया किसी को। अच्छा लगा वो सीन। एंड देख रहे हैं तो बॉब बिस्वास, मतलब उनका कैरेक्टर जो है बहुत ही नॉर्मल इंसान टाइप है, मतलब दिखने में बहुत ही नॉर्मल है। उनका लुक बहुत ही डिफरेंट है, पूरा फ्लैट हेयर, स्ट्रेट हेयर, एंड कितने डिफरेंट दिख रहे हैं। उनका एक्टिंग एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जितना भी दिखा है इसमें बहुत अच्छा लगा। चित्रांगना उनकी वाइफ है, एक बेटी है बड़ी, एक बच्चा भी है, एंड बोल रहे हैं कि उनको उनका याददाश्त नहीं रहा। अब वो कितना सच है या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे मूवीज में बहुत सारे ट्विस्ट रहते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि वो सिर्फ नाटक कर रहे होंगे। तो अच्छा लग रहा था। एंड अचानक से मतलब उनको हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है कि जाइए अब घर पे रहिए, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ, डॉक्टर मुझे तो कुछ याद नहीं आया। तो बोलते हैं कि नहीं, शायद घर वालों के साथ रहने से कुछ याद आ जाए। तो अब एंड फिर उसके वापस जाने के, तो वो जिसके साथ काम करते थे पहले वो उनको कॉन्टेक्ट करके बुलाते हैं, एंड तब उनको पता चलता है कि शायद वो शूटिंग का काम करते थे, मतलब सुपारी टाइप्स पैसा लेके मार देते थे कुछ लोगों को। अच्छा था,
एंड बेचारे कंफ्यूज भी थे कि मैं एक्चुअली ये करता भी था या नहीं करता था, मुझे ये करना चाहिए या नहीं. इवन उनको ये भी पता नहीं है कि उनके पास कितने पैसे हैं नहीं हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, देखा जाए तो बहुत कुछ दिखा है इस ट्रेलर में, काफी इंटरेस्टिंग चीज था सब. एंड बहुत मजा आया देख के. ऐसा मूवीज सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, थ्रिलर है एकदम. तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये ट्रेलर फ्रेंड्स. आप बताइएगा आपको कैसा लगा है ये, एंड हमारा रिएक्शन कैसा लगा. तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.